एक फैसला और पूरी दुनिया हैरान परेशान। ओपेक प्लस देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन में रोजाना 10 लाख बैरल की कटौती का ऐलान करके अमेरिका से एशिया तक तमाम देशों को चौंका दिया। आखिर ओपेक प्लस ने ये कटौती क्यों की? दुनिया पर इसका क्या असर होगा? क्या भारत में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे? और ये ओपेक बला क्या है जो जब चाहे तब अपनी मर्जी से तेल की इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स कंट्रोल करता रहता है? इस सब पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं इस खास बीक्यू एक्सप्लेनर में। ओपेक प्लस देशों ने अपनी ऑफिशियल बैठक से एक दिन पहले रविवार को ये ऐलान कर दिया कि क्रूड प्रोडक्शन 10 लाख बैरल प्रतिदिन घटाया जाएगा। रविवार को तो बाजार बंद थे तो शांति छाई रही, लेकिन जैसे ही सोमवार को बाजार खुले तो वही हुआ जिसका अंदाजा था। WTI क्रूड में 8% का उछाल देखा गया, एक साल का सबसे बड़ा इंट्राडे स्पाइक। तो क्या कीमतों में इसी बढ़त के लिए और इसी बढ़त के दम पर अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए दुनिया को परेशान किया गया? इस सवाल का जवाब सऊदी एनर्जी मिनिस्ट्री ने ये कहकर दिया कि पूरी कवायद का मकसद ऑयल मार्केट और क्रूड की कीमतों में स्थिरता बनाए रखना है। लेकिन इतना बड़ा कदम क्या इस सो कॉल्ड प्राइस स्टेबिलिटी के लिए ही था? दरअसल ये सारा खेल डिमांड और सप्लाई का है। 19 मार्च को कच्चे तेल की कीमतों ने 15 महीने का लोएस्ट लेवल छू लिया, लेकिन जानकार उम्मीद जता रहे थे कि साल के सेकेंड हाफ में एयर और रोड ट्रैफिक प्री पैंडेमिक लेवल तक आ जाएंगे और तेल की डिमांड में खासा इजाफा होगा। अब इजाफा होगा तो कीमतें भी बढ़ेंगी, लेकिन ओपेक प्लस ने तब तक इंतजार करना मुनासिब नहीं समझा। माना जा रहा है कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज उन ट्रेडर्स पर ज्यादा भरोसा कर बैठे हैं जिन्होंने पिछले महीने ही क्रूड प्राइसेस को करीब 5% तक गिरा दिया। इससे उठी एक आशंका ये भी है कि जिस डिमांड के लौटने का शोर है वो शायद कभी लौटे ही ना, तो क्यों ना अभी से सप्लाई कम करके कीमतों को बढ़ने दिया जाए और पैसा बटोरा जाए। अब एक और सवाल, ये सब ओपेक प्लस इतनी आसानी से कर कैसे लेता है? तेल के खेल में उसकी आवाज ही सबसे बुलंद क्यों है? जवाब छुपा है प्रोडक्शन पावर में। 2016 से पहले तक ओपेक में 13 देश होते थे, अगुवाई करता था सऊदी अरेबिया। अगुवाई तो अब भी उसी के हाथ में है, लेकिन अब देशों की संख्या हो गई है 23 और संगठन के नाम में जुड़ गया है प्लस, यानी अब ये कहलाता है ओपेक प्लस। पूरी दुनिया की लगभग 50% ऑयल सप्लाई ओपेक प्लस के हाथों में है, जिसके हाथ सप्लाई उसके हाथ प्राइस कंट्रोल की ताकत, और इसी का फायदा ये देश उठाते हैं। कीमतें बढ़ेंगी तो फायदा इन देशों को होगा और शिकन की लकीरें खींचेंगी दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के माथे पर। तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो देशों के इंपोर्ट बिल बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा और इन सब का असर दिखेगा पहले से सता रही महंगाई पर। कहा तो फेड से लेकर RBI अगली बार दरों में बढ़ोतरी पर पॉज लगाने पर विचार कर रहे थे, और कहा अब इस प्रोडक्शन कट ने एक बार फिर महंगाई को लेकर चिंता बढ़ा दी है। और सिर्फ महंगाई ही टेंशन नहीं है, यहाँ तो ग्लोबल पॉलिटिक्स भी पिक्चर में है। बाइडेन सऊदी अरेबिया के उस प्रोडक्शन कट को भूले नहीं थे जो US मिड टर्म इलेक्शन के ठीक पहले किया गया था, और अभी नया कट। व्हाइट हाउस ने तो बकायदा बयान जारी कर इस पर नाराजगी जाहिर भी कर दी है। अमेरिका इस बात से ही भी परेशान है कि अब रूस के हाथों में इस बढ़ोतरी के बाद काफी पैसा पहुंचेगा और इस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध की आग को और हवा देने में किया जा सकता है। दुनिया से लौटकर थोड़ा भारत पर आते हैं, क्या अपने यहाँ अगले कुछ दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं? महंगाई क्या बढ़ सकती है? हम अपनी जरूरत का करीब 90% क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, तो ये तो हुई डिपेंडेबिलिटी की बात। अब बात असर की, तो दौर बदल चुका है। अब रूस हमारा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है। मार्च में भारत ने 40% क्रूड ऑयल रूस से खरीदा, ये सारा तेल डिस्काउंटेड रेट्स पर मिला। एक और बात, इंडिया और रशिया के बेहतर रिश्तों को देखते हुए इस डील मैकेनिज्म में दिक्कत आने के आसार कम ही लगते हैं। उम्मीद है कि आपको तेल के इस खेल की पूरी बारीकी समझ आ गई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए BQ Prime हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।